नोतपा के अंतिम दिन तमतमाया सूरज, जाते जाते नोतपा अब तपाने लगा है। शुक्रवार को भी सुबह से सूर्यदेव की तलखी रही। तीखी धूप और गर्म हवाएं लोगों को फिर से झुलसाने पर आमंदा रही। नोतपा के पूरे 9 दिन तापमान 40 से अधिक रहा, जिसके चलते लोग गर्मी से बेचैन होने लगे हैं। तमतमाया सूरज सुबह से शाम तक पसीना छुड़ा रहा है। रात में भी उमस भरी गर्मी का एहसास होता रहा। दिन में आवाजाही करने वाले लोगों को अपने बचाव के लिए पूरे चेहरे पर कपड़ा लपेटे रहना पड़ा। कई लोग गर्मी के बचाव के लिए जहाँ शीतल पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, तो कई लोग दोपहर में बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। नोतपा के बाद अब लोग बारिश के आगमन की राह देखने लगे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। निश्चित ही ये जो नौतपा गया, काफ़ी गर्मी और उमस से परिपूर्ण रहा, और मार्केट में भी यदि देखा जाए तो काम धंधे भी ठप्प हो चुके हैं। आमजनों को राहत गर्मी से नहीं मिल रही। एक दो दिन हवा चली थी जिससे थोड़ा राहत मिला था, लेकिन अभी तो बड़ी उमस है। और कहा जाता है कि यदि रोहिणी या इसमें नौतपा में पानी नहीं गिरता है तो आने वाला समय पानी से भरपूर रहता है, और आमजनों को बहुत आशा है। इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी रही, 47 डिग्री के आसपास रही, 46 रही, 45 रही, लगभग कई दिनों तक ऐसे ही क्रम चलता रहा। तो आने वाले समय में लोग अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो कब पानी आएगा, कब थोड़ी मौसम में ठंडक आएगी, इस बात का इंतज़ार हर किसी के मन में है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।